हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में आज आपका टॉपिक चल रहा है हीरोन का सूत्र। हीरोज के सूत्र के बारे में पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके थे। किस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके परिमाप को हम हीरोज के फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके थे। आइए इसमें कुछ अभ्यास प्रश्नों को इस कक्षा में हम करते हैं, देखते हैं किस प्रकार हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। किस आकार का है आपका? उस भुजा पर ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है और हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें त्रिभुज के बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप क्या है, 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि अच्छी क्षेत्रफल क्या होगा। तो संकेत बोर्ड का परिमाप क्या है आपका, 180 सेंटीमीटर, और हमें हीरोज का सूत्र का फॉर्मूला करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप आपको ज्ञात है और इसकी हम एरिया को ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ भुजा की भुजा ए ए और ए है, तो तीनों क्या है आपकी, ए ए और ए, एक त्रिभुज हमने यहाँ पे बना लेते हैं। तो तीनों भुजाएं क्या लेंगे, ए ए और आपकी ए लेंगे। अब देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है आपका, एस का वाले फॉर्मूले से हम तीनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपका आ जाएगा 3a/2। ये बात आपको क्लियर हुई? अब देखिए, इसलिए हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये बात आपको क्लियर हो गई? अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट हमारा एस की वैल्यू क्या आई थी, 3/2, तो 3a/2 रख दिया, यहाँ भी रख दिया एस माइनस ए एस माइनस ए और एस माइनस ए, क्योंकि ये ए का मान ए हमने क्या लिया यहाँ पर, हमारे ए बी सी होता है, तो ए बी बराबर ए और बी इजिकल टू बी ए और सी इजिकल टू आपका ए। तो तीनों आपको तीनों क्या आ गए आपके, ए आ गए यहाँ पर, और इस प्रकार हमने इसको लिया है। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप देखिए क्या है, 3a। अब देखिए प्रश्न अनुसार 3a क्या आ गया, 180 सेंटीमीटर, तो 3a = 180 सेंटीमीटर, और ए क्या आ गया आपका, 180/3 क्या आ गया, 60 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या आ गया, ए का स्क्वायर अपॉन 4 अंडर रूट 3, क्या आ गया, 60 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और क्या आ गया, अंडर रूट 3। ये बात आपको क्लियर हुई? तो यहाँ से क्या आ गया आपका, आप यहाँ ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3600/4, इतना समझ में आया। और ये क्या आ गया आपके, अंडर रूट 3 में लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसको काट लेंगे तो क्या जाएगा आपका, 900/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर हुई? तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल कर आया हमारा, वो आया 900/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बोर्ड का जो हमारा क्षेत्रफल निकल कर आया, किसका, बोर्ड का क्षेत्रफल क्या निकल कर आया आपका, 900/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर हुई? अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है सेकंड। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई कितनी है, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। अब देखिए किस प्रकार है, फ्लाईओवर आपको दिख रहा होगा, एक ये जिस पर गाड़ियाँ चलती हैं हमारी, जो ज़मीन से ऊपर होता है, नीचे आपका पुल बना, ये ऊपर पुल बना हुआ है और नीचे आपकी रोड जा रही है। ये बात आपको क्लियर हुई? यहाँ देखिए कार चल रही है आपकी, कार ट्रक आपकी ऊपर भी जा रही है। तो आपको क्या बताया गया है कि दीवार की भुजाओं की लंबाई 120 मीटर 22 मीटर और आपकी क्या है, 120 मीटर है। अब क्या करना है कि विज्ञापन से प्रतिवर्ष आपको 5000 रुपये प्रति मीटर की प्राप्ति होती है। तो आपको विज्ञापन जो आप लगवाते हैं कितनी होती है, 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। और एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, तो 3 महीने के लिए किराए पर लिया है तो उसे कुल कितना किराया दिया, तो उसे 5000 रुपये प्रति मीटर की दर से देना है। और आपको ज्ञात करना है कि कितना क्षेत्रफल है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रति मीटर के 5000 रुपये देंगे और आपको 3 महीने का किराए पर लेना है, तो 3 महीने का आपका कुल किराया कितना बैठा है, ये इस क्वेश्चन में हमको बताना है। या आपको एक ब्रिज दिया गया है, ये बात आपको समझ में आई? अब देखिए यहाँ त्रिभुज की जो भुजा है ए इजिकल टू 122 मीटर, बी क्या है 22 मीटर, सी क्या है आपका 120 मीटर। ये बात आपको क्लियर हो गई? अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या है, एस, तो
ऐसा आप निकाल लेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, तो क्या आ जाएगा 122 अपॉन 22 अपॉन 122, 120 अपॉन 2, तो क्या आ गया आपका 264 अपॉन 2, क्या आ गया 132 मीटर। इसलिए हीरोन के सूत्र से आप क्या देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करके आएगा आपका s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। अब आप क्या करेंगे, 132 मीटर आपका निकल कर आया था, तो 132 और 132 माइनस ए क्या था आपका, देखिए 122 मीटर, बी क्या है आपका यहाँ पे ये लेस कर दिया आपने, और सी आपने कर दिया 120 मीटर। ये बात समझ में आई आपके, तो आ गया 132 10 इंटू 110 और इंटू 11, तो क्या आ गया 11 इंटू 12 इंटू 10 और ये आ गया 11 इंटू 10 और इंटू 12, तो एंड रूट में ले लिया आपने पूरे को, तो क्या आ गया 11 इंटू 12 इंटू 10 क्या आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब विज्ञापन से एक वर्ष 12 महीने में प्राप्ति, कितने रुपए की प्राप्ति हुई आपको, 5000 और 1320 आपने इंटू कर दिया, क्योंकि एक मीटर के आपके कितने थे 5000 रुपए, और आपका कितना निकल कर आया है 1320 मीटर स्क्वायर। तो आपका और कितना एक महीने की प्राप्ति निकालनी है, और आपको 3 महीने में कितने रुपए प्राप्ति हुए वो निकालना है। तो आप पहले एक महीने का निकालेंगे, 5000 इंटू 1320 और आ गया एक महीने का, और इसी प्रकार आप निकालेंगे 3 महीने के लिए, तो 5000 इंटू 1320 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 12, तो क्या निकल कर आएगा आपका 165000, तो आपको 16,50,000 रुपये इसके लिए देने होंगे विज्ञापन के लिए, क्योंकि जो भी विज्ञापन है वो बहुत महंगा होता है अगर आप किसी ब्रिज के ऊपर लगवाते हैं, क्योंकि वो मेन आपका दिखाई देता है, उसके लिए आपको ज़्यादा खर्चे की नीड होती है, आपको ज़्यादा रुपीज़ स्पेंड करने होते हैं उसमें। अब नेक्स्ट देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी स्लाइड बनी हुई है, इसकी पार्श्व दीवारों साइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है कि आप साफ रखिए और हरा भरा लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं कितनी है, 15 मीटर, 11 मीटर, कितनी है 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए आपको दिया गया है क्या, एक पार्क की फिसलन पट्टी, ये देखिए इस प्रकार दी गई है, जो भी आपकी स्लाइड वाला झूला होता है यहाँ से आप चढ़ के जाते हैं, ये देखिए, और ये आपकी फिसलने वाला जो एरिया होता है ये कितना दिया गया है 11 मीटर, और आपको ये चढ़ने का एरिया है वो 6 मीटर दिया गया है, और आपका जो बेस है पूरा ये ग्रीन एंड क्लीन कीप द पार्क ये क्या है 15 मीटर का। अब पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है, ये आपका कितना है 15 मीटर का। अब देखिए रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कि इस पे क्या है पेंट हुआ हुआ है, ये कितने प्रकार का है। अब देखिए त्रिभुज का, त्रिभुज की भुजाएं लेंगे, पहली 15 मीटर, बी क्या आ गई 11 मीटर, सी क्या आ गई आपकी 6 मीटर। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, कितना आ गया 15 प्लस 11 प्लस 36 क्या आ गया अपॉन टू, तो आ गया 32 अपॉन टू क्या आ गया 16 मीटर। ये बात क्लियर हुई। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये बात आपकी क्लियर हुई। अब देखिए 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6 का अंडर रूट हमने ले लिया इज इक्वल टू 16 इंटू 1, 5 इंटू 10 ये अंडर रूट ले लिया, 4 इंटू 4 इंटू 1, 5 और 5 इंटू 2 और 4 इंटू 5 अंडर रूट 2 आ गया हमारा, तो 4 इंटू 5 अंडर रूट 2, तो हमारी इसकी इंटू हो गई तो क्या आ गया 20, ये क्या हो गया 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल क्या आ गया आपका 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये बात आपकी क्लियर हो गई कि जो आपका जो ये एरिया है इस पूरे में, जो यहाँ पर जिस एरिया में आपके पेंट हुआ हुआ है, क्या हुआ हुआ है ये पेंट हुआ हुआ है, इस एरिया का क्षेत्रफल आपका क्या निकल कर आया है 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं कितनी है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तथा उसका परिमाप क्या है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर है। यहाँ त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं आपको, ए आपको 18 सेंटीमीटर, बी आपको 10 सेंटीमीटर,
परिमाप कितना है? 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या है आपका, ए प्लस बी प्लस सी, कितना आ गया 42, और क्या आ गया आपका 18 प्लस 10 प्लस सी इज इक्वल टू, अब सी का वैल्यू क्या आ गई आपकी 14 सेंटीमीटर। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस, एस क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो कितना आ गया 42 अपॉन 2, 21 सेंटीमीटर। ये बात आपकी क्लियर हो गई। इसलिए हीरोज के सूत्र से क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये क्या आ गया आपका अंडर रूट में आ गया। अब देखिए 21 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, ये क्या आ गया आपका अंडर रूट में आ गया। आपको ए दिया गया था 18, बी था 10 और सी आया था आपका 14। ये बात आपकी क्लियर हो गई थी। अब आपने क्या किया, 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, तो क्या आ गया यहाँ पर 7 इंटू 3 इंटू 3, 3 में डिवाइड कर लिया, 11 इंटू 7 में हमने इसको तोड़ लिया, तो अब 7 का तो एक अंडर रूट आ गया, 3 का आ गया और 11 आपका बाहर रह गया, तो 7 इंटू 3 और अंडर रूट 11, तो ये आ गया 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया आपका 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 5। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना है, 12 अनुपात 17 अनुपात 25, कितना दिया गया है 12 अनुपात, ये आपका रेशो दिया गया है 17:25, और इसका परिमाप कितना है सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या करना है, एरिया ज्ञात करना है आपको। तो एरिया ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का परिमाप आपको दिया गया है 540 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको समझ में आई। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या है, 12 इंटू 17 इंटू 25, और ए क्या आ गई आपकी 12x, बी आपको हमने मान लिया 17x और सी को मान लिया हमने 25x। अब परिमाप निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी हम करेंगे, तो क्या आ गया, तीनों का परिमाप हम ऐड कर देंगे तो हमारा परिमाप की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया, 550 इज इक्वल टू 12x प्लस 17x प्लस 25x, तो क्या आ गया 550 54x, और हम x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 540 अपॉन 54, तो क्या आ गया आपका 10। ये बात आपकी क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आई आपको। अब देखिए, इसलिए त्रिभुज की भुजाएं इस प्रकार हैं, क्या क्या हैं, ए 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर आ गया, बी आपको दिया गया है 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर, सी आपको दिया गया है 17 इंटू 10 250 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या दिया गया है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो एस क्या है आपका, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो क्या आ गया 540 अपॉन 2, 270 सेंटीमीटर। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब हीरोज के सूत्र से आप देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया आपका, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये निकल कर आया 270 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250 का अंडर रूट आपने लिख दिया यहाँ पर, तो आपका क्या आ गया 270 150 100 और आपका आ गया 20, तो क्या आ गया आपका 456। अब आपका आ गया, इसका अंडर रूट आप निकालेंगे, ये आ गया आपका 81 लाख, तो आ गया आपका 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का जो आपका क्षेत्रफल निकल कर आया यहाँ पर क्या आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको हम लिख देंगे 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपकी क्लियर हुई यहाँ से कि किस प्रकार आपका ये आंसर आया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिया गया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर और लंबाई है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परिमाप आपको दिया गया 30, त्रिभुज की तीन भुजाएं बराबर नहीं है तो लंबाई ए सेंटीमीटर, बी और सी आपको दी गई है, तो तीनों का हमने ले लिया ए बी सी, तो 30 ABC हमने जोड़ लिया तो हमारा आ गया 86। अब अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हमने लगा दिया 15 सेंटीमीटर, हीरोज का सूत्र लगा दिया ये वाला, तो हमने सबकी वैल्यू को पुट कर दिया और हमारा क्या आ गया
9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया? 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार त्रिभुज के हीरोज के फॉर्मूला लगा के त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं, उसके परिमाप की सहायता से भी उसके क्षेत्रफल को ज्ञात किया जा सकता है। कोई भी वैल्यू आपको दी गई है तो थर्ड वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये सारा हमने आज की क्लास में सीखा। तो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? तो हमने ये सीखा कि हम हीरोज फॉर्मूले को किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। आगे का नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।